सत्ता में जाने वाले हैं गुजरात, चुनाव की घोषणा को कैसे देखते हैं और आप आपकी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी? नहीं, हम जो डेट्स का अनाउंसमेंट ईसीआई ने किया है हम उसका वेलकम करते हैं। अब शेड्यूल ईसीआई ने अनाउंस कर दिया है तो हमारी पार्टी तो पहले से ही विधानसभा के चुनाव की तैयारी में लगी हुई थी। अब जाहिर है हमको और अपनी तैयारी को तेज करना पड़ेगा और बहुत से जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमको अपने कैंडिडेट खड़ा करना है उस ताल्लुक से हमारे गुजरात के अध्यक्ष जनाब साबिर भाई साहब तय करेंगे और हमारी पार्टी की तैयारी तो ठीक है। अब फिर हम जाएंगे और गुजरात की विधानसभा में हमारी पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमको यकीन है कि इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। ये बहुत से अवामी मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, कोई एक मुद्दा बोल के नहीं है। गुजरात में एक मिस गवर्नेंस भाजपा का रहा है जिसकी वजह से कोविड के वक्त बहुत से लोगों की मौत हुई, बहुत से लोगों को जो हेल्थ अस्पतालों में मिलना था सहूलतें नहीं मिली। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों की तनख्वाहें कम हो चुकी हैं, बिजनेसेस कमज़ोर पड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारी कोशिश ये है कि भारत की लोकतंत्र में जहाँ पर सब समाज को समुदायों को उनका एक मुकाम और इज्जत मिली है उसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज हो, दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, इन सब को उनकी एक लीडरशिप बने, उनकी एक आवाज़ रहे। तो ये अहम मुद्दे हैं गुजरात के चुनाव में और बहुत से और भी मुद्दे रहेंगे, विधानसभा के इंडिविजुअल अलग इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं। अभी जो मोरबी में हादसा हुआ है सर, क्या वो कोई मुद्दा होगा वोटर उस हादसे को लेकर? क्योंकि अभी ताजा हादसा है, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि ये डिले हुआ अनाउंसमेंट है मोरबी की वजह से। नहीं, जो मोरबी में हुआ वो निहायत ही अफसोसनाक है, वो भी गुजरात की हुकूमत की मिस गवर्नेंस की एक मिसाल है कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया था उनको तो इसका तजुर्बा था ही नहीं और उन्होंने कुछ काम उस पर जिस तरीके से करना था और वहाँ की म्यूनसिपैलिटी, वहाँ की जो सिविक अथॉरिटीज़ है उन्होंने उसका टेस्ट भी नहीं किया, फिटनेस सर्टिफिकेट दिया नहीं, तो जाहिर है ये एक मिस गवर्नेंस का इशू है। सर, आज आपने अभी सुबह ट्वीट किया है कि मैं मुसलमान हूँ, उसके खतरा है मेरे को और मैं कभी हिंदू के खिलाफ नहीं था, कभी बोला नहीं हूँ और ना कभी बोलूँगा, क्या वजह रही सर? वजह क्या है भाई, एक जब आप पब्लिक स्पीच देते हैं तो उसमें आप इन चीज़ों को उठाते हैं, तो इसलिए हमने कहा है। चुनाव आयोग जो घोषणा है, ये जो चुनाव की तारीखों की हुई है उस पर कांग्रेस ने सीधे सीधे नहीं लेकिन इशारों में उनकी निष्पक्षता पर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। आप भी एक पार्टी के प्रमुख हैं, आपको क्या क्या लगता है? देखिए, चुनाव आयोग ने जो डेट्स दी हैं हम उसका वेलकम करते हैं और हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि ये विधानसभा के चुनाव पुरमन रहे, अच्छे तरीके से हो जाए और जनता को गुजरात की उनका पूरा मौका मिले, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो हम उसकी उम्मीद करते हैं और ये इलेक्शन कमीशन इसको कराना भी चाहिए। अब इससे बढ़कर मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है। सर, कल हमारे चैनल पे जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने आपका नाम लेके काफ़ी सारे बातें कही कि आप सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की राजनीति करते हैं, सिर्फ 20% की राजनीति करते हैं और ये देखा गया है कि जो भी मोदी जी के स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा, चाहे वो उज्ज्वला स्कीम हो या फिर इज्जत घर हो, सभी मुसलमानों को भी उसमें दिया गया है, सभी लीडिंग। तो मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आप जब इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो आप एक लिस्ट दे दीजिए आप ही के चैनल को, उज्ज्वला में, घर की स्कीम में, बल्कि उससे बढ़कर मैं कह रहा हूँ जो प्रधानमंत्री की नाम से स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर में, जिसको MSDP का प्रोग्राम कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में आपने मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स में ताल्लुकात में जहाँ पर जो पैसे दिए गए हैं कितना पैसा खर्चा हुआ है,
प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने अल्पसंख्यक समाज को घर मिले हैं, वो आपको दे दे लिस्ट, वो इसी को छोड़ दे और वो ये देश को बता दे कि उनके एमपी ने दिल्ली में एक भाषण देकर कहा कि मुसलमानों का इकोनॉमिक बॉयकॉट होना चाहिए, उसके ऊपर अभी तक केस नहीं बुक हुआ। क्यों नहीं बुक हुआ केस? सुनिए, केस नहीं बुक हुआ उनके ऊपर, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि सो मोटो एक्शन लो। सवाल असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, सवाल देश का है। आप 80-20 की आप बात किसने की? आपका मुख्यमंत्री ने की, तो क्या आप 20 होना कोई गुनाह है इस देश में? ये तो भाजपा को बताना चाहिए, 20 होना कोई गुनाह है क्या? कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह तो नहीं है ना, मैं तो एक देश का इज्जतदार शहरी हूं। आपको बताना पड़ेगा, आपके चैनल को बता दे वो। ये मीडिया बात कही कि जो लोग लाइन क्रॉस कर रहे हैं, कल नड्डा जी ने कहा हमारे इंटरव्यू में कि उनके ही पार्टी के जाकर कोई लाइन क्रॉस कर रहा है तो उनको लाइन में भी काम किया जा रहा है, कोर्स करेक्शन भी हो रहा है वहां पे। हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट ने देखा ना, लोग गए थे, धर्म संसद आप ही के प्रदेशों में होता है, धर्म संसद में गालियां दी जाती है महात्मा गांधी को, उन्हीं के पार्टी के महिलाओं को, फिर मुसलमानों को, तो कोर्स करेक्शन कहाँ हो रहा है? उनका एमपी दिल्ली का इकोनॉमिक बायकॉट की बात किया है, क्या क्या बोलते हैं रोज, कोई ना कोई बात आती है, तो ये तो उनकी ऑफिशियल लाइन है, कोई कोर्स करेक्शन लाइन करेक्शन नहीं हो रहा है। कांग्रेस भी आपको मीटिंग बोल रही है सर, बोल रही है बीजेपी की मीटिंग, फिर से कांग्रेस के नेताओं ने बोला कि गुजरात में आप लड़ रहे हैं, बीजेपी की मदद करने के लिए लड़ रहे हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, अगर ये कांग्रेस बीजेपी और दूसरी पार्टियां तैयार हो जाए तो हमारा इरादा यह है कि अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर हम अपने पार्टी के पैसों से इन लोगों को बिठाकर एक जो भी खर्चा होगा करेंगे, वो तय कर ले हम क्या हैं, वो तैयार हैं कि वो रिवर फ्रंट पर बिठा देते हैं उनको। अब चाय तो नहीं बना पाएंगे, मगर जो भी अहमदाबाद की चाय बिस्किट होगी हम खिला देते हैं उनको, ढोकला भी रख देते हैं, वो तय कर लें बैठ के कि हम क्या हैं। मगर हमको इनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और जितना ज़्यादा वो बोलेंगे हमको उससे हमको फ़ायदा ही होने वाला है, बोलते रहिए, हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, हम अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए काम करते हैं, और इस तरह से जो लोग झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। कितने सीटों पे लड़ेंगे सर? हाँ, कितने सीटों पे लड़ेंगे? अभी वो हमारे गुजरात के अध्यक्ष इसका तय करेंगे, नहीं वो तय करेंगे, मैं नहीं तय करने वाला हूँ वो। हाँ, वो बैठ के फैसला कर ले, लेकिन आपकी पार्टी के बारे में वो फैसला करे तो नहीं, नहीं नहीं, हमको क्या नाम पुकारा जाए वो आपको नहीं, नहीं हमको मंजूर नहीं है भाई। कभी एक ये बोलते, कांग्रेस एक बोलती, बीजेपी एक बोलती है, दूसरी पार्टी एक, हम तो तीनों को बिठा देते हैं चार रिवर फ्रंट पे। देखिए, बैठ के आप तय कर लीजिए, गुजरात का चुनाव है ना, आप तय कर लीजिए। कम से कम हमको गाली देना है तो एक ही गाली दो, ये गाली वो एक इल्जाम तो मिलके दो, कोई बात नहीं। गुजरात और हिमाचल में चुनाव है सर, राहुल गांधी तेलंगाना में पदयात्रा कर रहे हैं, मुझे उस पर कुछ कहना नहीं है, उनका पार्टी का प्रोग्राम है, वो बताएंगे क्या करेंगे, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। एमएम के टारगेट वोटर्स कौन रहने वाले हैं और साथ ही हर आने देखिए पार्टी की तरफ से आप लोग लड़ते हैं? देखिए, वोटर को टारगेट बोलना वोटर की तौहीन है। मतदान जो होता है, जो वोटर होता है, हम तमाम की कोशिश होगी कि हम हमारे हक में वोट दें, और उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। तो टारगेट ज़रा बहुत ही क्रूड वर्ड है, हम कोशिश करेंगे उनका दिल जीतने के लिए, उनको समझाने के लिए कोशिश हो रही है।